गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट इंग्लिश रीडर लेसन 4, ट्रू एडवाइज़र। ट्रू एडवाइज़र मीन्स सच्चा सलाहकार। दिस लेसन इज़ अबाउट अ किंग हु वॉज एंग्जियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज एडोलेसेंट सन, सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ गुड एडवाइज़र टू हिज सन। लेट अस फाइंड हाउ ही फाइंड अ ट्रू एडवाइज़र फॉर हिज सन। बच्चों, ये कहानी एक राजा के बारे में है जिसमें कि वह राजा भविष्य में अपने बेटे के लिए एक सच्चे सलाहकार की खोज कर रहा होता है। अब इस कहानी में हम ये देखेंगे, पढ़ेंगे कि उसे एक सच्चा सलाहकार कैसे मिलता है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज अ किंग हु वॉज इल एंड हैड बिकम वेरी वीक। ही न्यू दैट ही वुड नॉट लिव फॉर लॉन्ग टाइम। ही वॉज अ थिन एज अ बीन पोल। ही हैड ओनली वन सन हु हैड जस्ट टर्न 12। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड अ गुड एडवाइजर फॉर हिज सन बिफोर ही डाइड। फ्रेंड्स, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे जो कि बहुत ही कमज़ोर थे, बहुत ही ज़्यादा वीक थे, और उनको ये पता था कि वे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जिएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा लंबे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण अधिकतर बीमार रहते थे। उनका एक ही बेटा था जो कि 12 वर्ष का था। तो राजा को ये चिंता होने लगी कि जब वे नहीं रहेंगे तो उनके बेटे को सही सलाह कौन देगा। इसके लिए वो चाहते थे कि वह अपने मरने से पहले एक अपने बेटे के लिए एक सच्चे और अच्छा सलाहकार की खोज कर रहे थे। वन डे ही आस्क्ड हिज कोर्टियर्स, एम आई वॉज अ वाइज एंड गुड किंग? Your Majesty, said the courtiers, you are the wisest and best king in the world. Exclaimed the king. He gave a diamond to each of his courtiers. There was one courtier, however, who sat in a corner and did not say a single word. He was a young, handsome man and had a shawl around his shoulders. Addressing him, the king said, you have not answered my question. Don't you agree with what the other courtiers have said? The young man said to the king, Your Majesty, my reply will be slightly different. I am afraid you may not like it. एक दिन राजा ने अपने राज्य में उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि क्या मैं एक बहुत बुद्धिमान और अच्छा राजा हूँ। तो वहाँ जितने भी उसके राज्य में उपस्थित लोग थे, उन सबने कहा कि आप बहुत ही अच्छे और बहुत बुद्धिमान राजा हैं। तो किंग ने खुश होकर सबको एक एक डायमंड दिया। तभी वहाँ दूर कोने में एक यंग आदमी बैठा था जिसने कि अपने कंधे पर शॉल ओढ़ रखा था। तो राजा ने उससे पूछा कि तुमने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम इन लोगों से सहमत नहीं हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं इन लोगों से सहमत नहीं हूँ, मेरा जवाब इससे थोड़ा अलग है और मुझे डर है कि आपको वह पसंद नहीं आएगा। Don't worry about that, replied the king. You may answer my question. You are a wise and good king, said the courtier. But there have been kings wiser than and better than you. The king smiled and gave him a diamond too. The diamond was big as an almond. You are an honest man, the king said. I like your reply. You will be the advisor of my son. The next day, the other courtiers came to the king and said, Your Majesty, you gave us diamonds yesterday. We took them to the jeweler. He told us that they were not real diamonds. Yes, the king said, the diamonds were not real. They were as false as your words. तभी राजा ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे सवाल का जवाब दो। तो उस लड़के ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन इस राज्य में आपसे भी कहीं ज़्यादा बुद्धिमान राजा हैं। तो जो वे राजा थे, वे मुस्कुराए और उस लड़के को भी उन्होंने एक डायमंड यानी हीरा दिया। वह हीरा आलमंड यानी कि बादाम के साइज़ के बराबर था और उन्होंने कहा कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। तभी अगले दिन जो और दूसरे कोर्टियर्स थे जिन्हें कि राजा ने हीरा दिया था, वे लोग राजा के पास वापस आए और उन्होंने कहा कि राजा, हम ये हीरा लेकर ज्वेलर यानी सुनार के पास गए थे और उसने कहा कि ये हीरा नकली है। तो राजा ने कहा, हाँ, ये नकली हीरा है। ये हीरा उतना ही नकली है, नकली और झूठा है जितने कि तुम लोग झूठे हो। और राजा ने जो वह आदमी था जिसने कि कंधे पर शॉल ले रखा था, और उन्होंने उस आदमी को अपने बेटे के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्ति दे दी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।